कोरोना वबा की वजह से आने वाले बहरान के दौरान पाकिस्तान को मिलने वाले कर्जे और अमदादें। नंबर एक, आईएमएफ ने 140 करोड़ डॉलर के कर्जों की मंजूरी दी, जिसकी कुछ इकसात पाकिस्तान ने हासिल भी कर ली हैं। नंबर दो, यूरोपीय यूनियन ने 1630 लाख डॉलर की इमदाद पाकिस्तान को दी। नंबर तीन, यूनाइटेड स्टेट्स ने 80 लाख डॉलर की इमदाद दी। नंबर चार, चाइना ने 40 लाख डॉलर अद्वियात और हफाजती सामान दिया। पहले नंबर पर बयान करदा कर्जा वापस करना होता है और इसके इस्तेमाल पर देने वालों की कई शराइत और वापसी पर सूद होता है, जो हमसे टैक्स या इजाफी कीमतों की मद में लिया जाता है। इसके अलावा जितनी रकम बयान करदा है वो इस कौम को मिली है जिसने अप्रैल के आखिरी अशरे में वजीर आजम की इमदाद की कॉल पर 55 करोड़ चंदा दे डाला। 22 करोड़ की आबादी के मुल्क में चंद घंटों में इतनी रकम जमा हो गई कि इसका निस्फ हिस्सा पूरी आबादी में तकसीम किया जाए और साल भर मुल्क में लॉकडाउन कर दिया जाए तो भूख इस मुल्क के वासियों को देखने को तरसेगी। इस सब के बावजूद हर गली के नुक्कड़ पर एक वेलफेयर ट्रस्ट खुली है, जो तकरीबन हर महीने लाखों रुपए मालियत के फंड्स तकसीम और जमा करती है, लेकिन फिर भी गुर्बत है कि ख़त्म ही नहीं हो रही। क्या यह सोचने का मुकाम नहीं है कि आखिर ऐसा क्यों है? यह खैराती निज़ाम दो पहियों से चलता है, खैरात देने वाला और खैरात लेने वाला। अब कैसे मुमकिन है कि यह निज़ाम भी चलता रहे और गुर्बत भी ख़त्म हो जाए? आखिर हम धोखा किसको दे रहे हैं? गुर्बत मुआशरे में होने वाली गैर मुनसफाना तकसीम से पैदा हुई है और इसे एक मसावी या मुनसफाना निज़ाम से ही ख़त्म किया जा सकता है। बैरूनी इमदाद हासिल करने के बाद हुकूमत ने लॉकडाउन खोलने का ऐलान किया, वो लॉकडाउन जो लगा ही नहीं, और पूरी कौम को अर्तुगरुल गाजी ड्रामे पर लगा दिया। अब हुकूमत से इस इमदाद और अवामी चंदे का हिसाब कौन लेगा? इन हुक्मरानों को जब भी कोई अंदरूनी खलफशार का सामना होता है वो अमदाद और कर्जे लेना शुरू कर देते हैं, जिसका खमियाजा भी अवाम को टैक्सेस और महंगाई की सूरत में भुगतना पड़ता है। और कश्मीर बॉर्डर पर क्रॉस फायरिंग से कश्मीरियों की लाशें गिराकर ये जंगी कैफियत पैदा करके अवाम को खौफजदा किया जाता है, ताकि वो अपने हकीकी मसाइल के लिए आवाज़ बुलंद ना कर सके। हुक्मरानों के इन हथकंडों के खिलाफ अवाम को बगावत करना होगी और जबरो इस्तेहसाल के खिलाफ लड़ना होगा।